ओम शांति, ओम शांति। खाना अच्छा खिलाया, कपड़े अच्छा है, मकान अच्छा है, लेकिन विचार कौन सिखाएगा? हाँ, तो एक तप का आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। कार मिला, ड्राइविंग लाइसेंस कौन देगा? कंपनी वाले नहीं देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस अलग है। शरीर मिला, इस शरीर में आए, इस शरीर के अंदर बैठकर क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं है। तब दुनिया में लोग कहते खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? लेकिन कल है ना। मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। एक प्राणी को दो रोटी दे दो, वो एक रोटी कल के लिए रखेगा? नहीं। आज एक मनुष्य को 10 रुपया दे दो, 2 रुपया कल के लिए रखेगा। मनुष्य वो दो कल के लिए सोचता है, प्राणी वो सिर्फ वर्तमान देखता है। तब शास्त्रों में कहा मानवः, मनुष्य प्राणी बन गया। मनुष्य प्राणी बनता नहीं, मनुष्य मनुष्य है, लेकिन हमारे आचरण प्राणी जैसे हो गया है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। शरीर में तो आए, आंखें भगवान ने दिया, दो हाथ दिया, इन दोनों हाथों से मुझे क्या करना चाहिए, इन आंखों से क्या देखना चाहिए, इस मुख से क्या करना चाहिए, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। न होने के कारण सब कुछ है। इसलिए भारत आज भी गरीब नहीं है। भारत में हीरे जवाहरात सोना आज भी भरा हुआ है। अभी अभी मैंने देखा, थोड़े साल पहले ही एक 27 साल का सन्यासी है, बेंगलुरु में गोल्डन टेम्पल करके बना, 250 टन गोल्ड का सोने का मंदिर बनाया एक सन्यासी ने। 250 टन, एक दो नहीं, कहां से लाया? भारत आज भी गरीब नहीं है, भारत में रहने वाले गरीब बन गए। इसलिए अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो तो आज भी भारत सारे विश्व का गुरु हो सकता है।